मैं एक प्रोफेशनल एथलीट के रूप में ये $1 करोड़ वाली जॉब करने जा रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि कितना फर्क होता है एक एस्ट्रोनॉट बनकर हर साल $2 लाख कमाने में। ये पागलपन है। डायनासोर की हड्डियाँ ढूंढकर हर साल $1 लाख कमाने में। Oh my gosh! और भी कई जॉब्स के बीच और मैं शुरुआत करूँगा सबसे कम इनकम वाली जॉब से, गोल्ड पैनिंग, जिसके जरिए हम एक साल में $1 कमाएंगे लेकिन हम करोड़पति बनेंगे शायद तुम्हारे सपनों में। बेसिकली गोल्ड पैनल्स इस मैकेनिज्म में मिट्टी डालते हैं, फिर इसमें पानी डालकर थोड़ा हिलाने के बाद सारा सोना फिल्टर होकर नीचे जमा हो जाता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि 5 घंटों की मेहनत के बाद मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं बन पाया। ओ बॉयज, मुझे सोना मिला। यो! इसकी क्या कीमत होगी? करीब 2 सेंट। यही तो मैं कह रहा था, इसे एक साल तक करने के बाद भी आप $1 ही कमाएंगे। लेकिन लकीली हम ऐसी नौकरियां करने जा रहे हैं जिसमें हम एक साल में $10 मिलियन तक कमा पाएंगे। चलिए देखते हैं ऐसी नौकरी करना कैसा लगता है जिसमें हर साल $1 लाख मिलता हो। म्यूजियम के लिए डायनासोर की हड्डियां ढूंढना। और हाँ, ये नकली हैं क्योंकि ये सभी मर चुके हैं। तो ये उन गड्ढों में से एक है। कई सच में डायनासोर की हड्डियां हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ 17 सालों से हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी हड्डी है जिस पर मैंने काम किया है। ये रही आपकी थाई बोन यहाँ पर, जो करीब 4 फीट लंबी है। तुलना के लिए ये रहा वो डायनासोर और ये रहे 6 काल जो एक के ऊपर एक खड़े हैं। और मेरी लंबाई 6 फुट 5 है। ये मिनी जैक हैमर्स है, बड़े काम के, तुम कर सकते हो। उसे बिल्कुल पता नहीं वो क्या कर रहा है। कोई आईडिया नहीं है। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा लेकिन हम इस काम में बहुत बुरे हैं। संभल कर। 5 घंटे की मेहनत के बाद भी हमारी प्रोग्रेस ना के बराबर थी, लेकिन हमारे इस धीमी गति के बावजूद एक्सपर्ट की मदद से हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने अपने पूरे करियर में इससे बड़ी हड्डी पर कभी काम नहीं किया। और आपने मुझे और काल को इसे छूने दिया? बिल्कुल, हमने गड़बड़ कर दी। तो जॉश, इसका वजन कितना होगा? करीब करीब 90 से 110 किलो। हाँ, नोलन की मॉम इससे 10 गुना ज्यादा भारी। ऐसा कुछ नहीं है। अब क्योंकि ये हड्डी इतनी प्राचीन है, हमें इसे उठाने से पहले POP से ढकना होगा, वरना इसके 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। उम्मीद है उठाते वक्त ये टूटे नहीं। 1, 2, 3, come on, दम लगा के हमेशा। बहुत अच्छे, आज पहली बार इंसानों ने इस हड्डी को उठाया है, वो भी कुछ यूट्यूबर्स ने। यकीन नहीं होता। टेबल के ऊपर रखो। तैयार? 1, 2, lift। बहुत अच्छे, हाथ संभाल कर काल। और मानो या ना मानो, ये डायनासोर की हड्डी वाकई में एक म्यूजियम में रखी गई। लेकिन क्योंकि म्यूजियम्स बोरिंग होते हैं, आइए नासा में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की $2 लाख वाली नौकरी करते हैं। और मेरा पहला मिशन था उनके ऑफिशियल लूनर रोवर को चलाना सीखना। एक दिन ये रोवर चांद पर होगी, है ना? हाँ, हम चांद पर घूमने के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये लोग मुझे ये चलाने क्यों दे रहे हैं? दरवाजे खोल दो। इसे कैसे चलाते हैं? इस डंडे को आगे धकेलो। अभी? हाँ, धकेलो। जिमी, हमें मारना मत। मुझे डर लग रहा है। आते रहो। ओह, ये तो कमाल। अब उसे घुमाओ। दाइयो, कहीं भी घुमाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, यहाँ गाड़ियाँ हैं। क्या ही सड़क पर चला सकते हैं? यहाँ तो चला ही सकते हैं। ओह, बहुत मजा आ रहा है। तुम टेढ़ा क्यों चला रहे हो? मुझे नहीं पता इसे सीधा कैसे किया जाता है। हालांकि मैं इसे ऐसे चला रहा था जैसे मैंने पी रखी हो, मैं सबको नासा के लूनर ट्रेनिंग यार्ड तक पहुँचा पाया जहाँ इसकी असली परीक्षा होगी। ओ, हम ऑफ रोड जा रहे हैं। ये रास्ता उबड़ खाबड़ है। तुम मुझे इसे ढलान के नीचे उतारने दे रहे हो? क्या इस मशीन के अंदर सीट बेल्ट है? यहाँ पर एक सीट बेल्ट है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इनके पास सीट बेल्ट है लेकिन ये लोग पहनते नहीं है। क्या अजीब। क्या हम सच में नीचे जा रहे हैं? क्या अब मैं सीट बेल्ट पहन सकता हूँ? ओह माय गॉड, हम टेढ़े होकर ढलान उतर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जिमी हाथ उठाओ ताकि उन्हें पता चले कि मैं चला रहा हूँ। इन्होंने तो सच में उठकर पीछे चला। नहीं नहीं नहीं, ऐसे चलाना ठीक रहेगा? मुझे पकड़ो गार्ड, पकड़ो मुझे। लेनिन, तुम चांद पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। शायद मैं कर पाऊंगा। और उसके बाद नासा ने मुझे अपनी विशाल स्पेस फैसिलिटी दिखाई। यकीन नहीं होता, ये पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। ऐसा लग रहा था मानो वो हम पर फ्लेक्स कर रहे हो, खासकर जब उन्होंने अपना स्पेस सूट दिखाया। स्पेस सूट को पहनने के बाद ही तुम एक एस्ट्रोनॉट बन जाते हो। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, स्पेस वॉक करने के लिए क्या आपको डायपर पहनना पड़ता है? तुम इस सूट में 12 घंटे तक रहते हो। वाओ, इसे पकड़ो। तो ये सचमुच एक एडल्ट डायपर है। तो जरा संभल कर। हाँ, ये स्पेस आर्टिफैक्ट है, ये कई बार मिशंस में इस्तेमाल हुआ है। यानी असली एस्ट्रोनॉट्स ने इसे पहना है? हाँ। और उन्होंने इसमें सुसु भी किया था। क्या आपने इसमें सुसु किया? मैंने मैं इसमें नहीं। ठीक है, तो बताइए अगला मिशन कब है? क्या तुम 1 साल बाद फ्री रहोगे? मैं समय निकाल लूंगा। ओके ओके। और मेरी ट्रेनिंग के आखिरी स्टेप में मैं एक कमाल की चीज करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे चांद को छूने का परमिशन दिया। थोड़ा दम लगाकर खींचूं क्योंकि इसका वजन 4000 किलोग्राम है। ये 4000 किलोग्राम का है? जोर से।
वाओ ये कमाल का पूरी दुनिया में इससे बड़ा मून रॉक कलेक्शन कहीं भी नहीं है। यकीन नहीं होता वो हमें ये करने दे रहा है। तुम जानते हो ना हम बस एक यूट्यूब चैनल है। ओह माय गॉड, ये किसी जमाने में चांद पर हुआ करते थे। क्या मैं जेनेसिस रॉक को छू सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कल हमने एक डायनासोर का फॉसिल खोजा था इसलिए मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। ओके, आप छू सकता हूँ? नहीं, मैंने कोशिश की। ये वास्तव तो में चांद को छू रहा है। ओह ये तो कमाल है। तो इस ट्यूब में चांद की मिट्टी रखी गई है और इसे अब तक खोला नहीं गया है। और अगर ये सच है तो हो सकता है उसमें एक एलियन भी हो। हाँ, वो पहला होगा चांद पर। और ये जानने के बाद कि एलियन सच में होते हैं, हम अपनी अगली नौकरी के लिए स्ट्रेटोस्फीयर की ओर गए जहाँ काल और नोलन ने प्लेन उड़ाया। मैंने पहले कभी प्लेन नहीं उड़ाया। हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। फ्लाइट ट्रेनिंग के पहले दिन पर आपका स्वागत है। मैं मजाक नहीं कर रहा, बॉयज को एक असली प्लेन उड़ाने के पहले बस एक बार इस फ्लाइट सिमुलेटर में प्लेन को लैंड करवाना होगा। तो ये रहा हमारा थ्रॉटल, पीछे खींचने पर प्लेन धीमा हो जाएगा। ओह माय गॉड। और लगातार एक के बाद एक नोलन की क्रैश लैंडिंग के बाद तुमने प्लेन को क्रैश कर दिया। उसने सक्सेसफुली लैंडिंग कर ही ली, जिसके बाद पता नहीं क्यों उसे इस प्लेन को चलाने के लिए चाबियां दी गई। यो मुझे डर लग रहा है, अगर तुम ये नहीं कर सकते नोलन तो प्लीज भगवान के लिए इन्हें बता देना। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? मैं तो बचपन से ही तैयार हूँ। फुल थ्रॉटल अप्रोचिंग 60। थोड़ी डगमगाहट है लेकिन अब लीवर को पीछे खींचे। हम टेक ऑफ कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ओह माय गॉड, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। ठीक, वो सच में इस पूरे प्लेन को अकेला उड़ा रहा है। हाँ, मैंने तो छुआ भी नहीं है। टर्बुलेंस की वजह से कभी क्रैश नहीं होता है ना? दरअसल अब देखो मैं दाएं मुड़ने वाला हूँ। नहीं, दाएं मुड़ा। ओह माय गॉड, प्लेन टेढ़ा हो गया। यकीन नहीं होता मैं इस चीज को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखो मेरा जादू। रुको। ओह नहीं, ये क्या बेवकूफ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब हम उस तरफ जाएंगे और फिर तुम प्लेन को लैंड करो। ओह माय गॉड, मैं भूल गया। हाँ, अक्सर लोगों को यही सब याद रखने में दिक्कत होती है। ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं। मुझे डर है तुम कहीं हमें ऊपर ना पहुँचा दो। सिमुलेटर पे हर बार प्लेन मेरे से यहीं पर क्रैश होता है। ओह गॉश, हम यहीं लैंड करेंगे इस रनवे के ऊपर। ओह माय गॉड, हम कुछ ज्यादा ही नीचे है। नहीं, इसकी नाक को बिल्कुल बीचों बीच रखना। ओह माय गॉड, आराम से अपना हाथ थ्रॉटल पर रखो। लेवल पीछे खींचने से पहले थोड़ा इंतजार करना, लंबी सांस लो। बहुत अच्छे, हमने लैंड कर दिया। तुमने कर दिखाया। मैंने प्लेन लैंड किया। ओह माय गॉड, इससे काम मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन हम जिंदा है। तुमने मुझे नहीं मारा। मैं हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि आप हर साल $10,00,000 कमा सकते हैं हैंड मॉडलिंग में, लेकिन सिर्फ तभी जब आप दुनिया के सबसे महंगे हैंड मॉडल्स में से एक हो। ये लोगों को अपने हाथों की तस्वीरें लेने की परमिशन देकर एक डॉक्टर की सैलरी से 5 गुना ज्यादा कमा लेती है। और इनका रेज्यूमे कमाल का है। इन्होंने लगभग हर जाने माने ब्रांड के लिए हैंड मॉडलिंग की है। इन्होंने अपने हाथों के लिए $10,00,000 का इंश्योरेंस भी कराया है। मैं आपको काम करते हुए देखना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्होंने हमारे हाथों की जाँच की। मुझे पता नहीं था कि आज वो दिन होगा जब मुझे नई इनसिक्योरिटीज मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें अपने नाखून साफ करने होंगे। Of course. सही कहा। मतलब मेरे तो बेकार ही हैं। ये लो। देखो काल की तुलना में यहाँ कितने ज्यादा बाल हैं। क्या मैं इससे पैसे बना सकता हूँ? काल के हाथों का टेक्सचर तुम दोनों से थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तुम समझे ना? मुझे बदल सकती हो? देखो मैं कोई चमत्कार तो नहीं कर सकती लेकिन जरा तुम अपने हाथ दिखाना जमी। तुम्हारे हाथ सुंदर है, ये अजीब बात है। तुम्हारे हाथ इतने चमक क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता, क्या मेरी उंगलियों का स्ट्रक्चर अच्छा है? हाँ, बनावट अच्छी है लेकिन नाखूनों के बीच गंदगी है, स्किन ड्राई है, लेकिन वो सब ठीक हो सकता है। हमारे हाथों पर अभी काफी काम करना था तो हमने उन्हें शूट के लिए तैयार किया, जो कि मेरे और काल के लिए आसान था लेकिन लेजर के लिए इतना नहीं। ओ नहीं, तुम इतने बालों के साथ एक कारपेट बना सकते हो। इन बालों ने मेरा पूरी जिंदगी साथ दिया, लेकिन अगर $10,00,000 कमाने हैं तो ये करना ही होगा। और अब जब मेरे हाथ घिनौने नहीं दिख रहे, हमने एक असली मैगजीन के लिए मॉडलिंग की और ये तस्वीरें पूरे अमेरिका भर के बिलबोर्ड्स पर दिखाई जाएंगी इन वॉचेस को प्रमोट करने के लिए। मुझे डर लग रहा है। हाँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मतलब घड़ी तो अच्छी लग रही है। मुझे पहले लगा कि ये आसान होगा लेकिन हम इस काम में बहुत ज्यादा बुरे थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये वॉच एक सांप ने पहनी है। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या मैं देख सकता हूँ कि आप ये कैसे करती हैं? यकीन नहीं होता। प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका हाथ नहीं हिल रहा। लेकिन हैंड मॉडल बनने का मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी वॉचेस पहनना नहीं होता, कभी कभी आपको अजीब चीजें पकड़नी पड़ती हैं। तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक सांप। आराम से काल, आराम से। अपने दूसरे हाथ को यहाँ लो और इसका सर पकड़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हमारे फोटोज अच्छे नहीं थे, उन्हें देश भर के बिलबोर्ड्स पर दिखाया गया और अब वक्त आ गया है वो काम करने का जिसे करके हम एक साल में $1,00,000 कमा सकते हैं। सही समझे, मैं NFL की एक प्रोफेशनल टीम ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सच
में मेरा एक सपना था। और अगर आपको ये फेक लग रहा है तो ये मैं हूँ जो $10 मिलियन के लिए बकेनियर्स के साथ एक असली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि हम शायद पैसे नहीं देंगे लेकिन कम से कम अमाउंट तो सही। नहीं नहीं, बस अमाउंट पर फोकस करो। अब ये ऑफिशियल है, कांग्रेचुलेशन। तो अगले 48 घंटों के लिए मैं एक ऑफिशियल प्लेयर। हाँ, तुम एक ऑफिशियल प्लेयर। वादा करता हूँ आप निराश नहीं होंगे। मैं वादा करता हूँ आप निराश होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते मैं 60,000 फैंस के सामने अपनी टीम के साथ मैदान में उतरूंगा। पहला पड़ाव है वेट ट्रेनिंग। ये ज्यादा ही हल्का है, इसे थोड़ा बढ़ाना कर सकते हैं। आराम से इनका मुझे 1 करोड़ देने वाले हैं। बस मेहनत करते रहो, या जीतना पड़ेगा या फिर एक लूजर। आराम से। ये लोग एक एनएफएल प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। इसे वहां सेट करो जहां तुम्हारी टीम का सबसे ताकतवर प्लेयर सेट करता है। पता नहीं मैं एक भी कर पाऊंगा या नहीं। वो ऐसे 12 रैप्स करता है, नामुमकिन। वो कोई आम इंसान नहीं है। मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहूंगा। NFL इतना मुश्किल क्यों है? ये वर्कआउट बाकी प्लेयर्स की तुलना में कैसा था? बहुत बुरा। उम्मीद है चक्कर आना बंद हो जाए। घबराओ, आदत पड़ जाएगी। okay. उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए टैम्पा बे के बकेनियर्स ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंचा, जहां मैं मिला अपने कोच से। मिस्टर बीस, मैं हूं कोच, कैसे हो? बढ़िया। और बाकी टीममेट से अच्छा लगा। मैं हूं शेख, मेरे बच्चे और मैं दोनों तुम्हारे वीडियोस देखते हैं, तुम्हारे कैंडी पास, द काल गमीज। मेरे नए टीममेट्स को यकीन नहीं हुआ कि मैंने उनकी टीम ज्वाइन कर ली है, तो मैंने उन्हें सबूत के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। तुम भी समझ गए, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। लेकिन तुम्हारे वाले पर ज्यादा पैसे लिखे थे। लेकिन इसमें लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 दिन का है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। हां, तुम्हें कल के लिए तैयार होना होगा। हां, तुमने सही कहा, मैं क्वार्टरबैक बनता हूं। और क्योंकि मैं पहले कभी क्वार्टरबैक भी नहीं बना था, और हाइक, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉल को फेंका। बढ़िया टचडाउन। और मैं आपको बता दूं कि ये वही टीम है जिसके साथ टॉम ब्रेडी ने सुपर बोल जीता था, तो मैंने सोचा उन्हें सरप्राइज दिया जाए। ओ आ गए टॉम। ओ, मुझे बॉल लगने वाली थी। टीबी, कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो टीबी? कैसे हो दोस्त? कैसे हो तुम सब लोग? यहाँ मेरा एक दोस्त है जो आपके सिर्फ हाय कहने पर खुशी से मर सकता जीमी, है। नहीं ऐसा मत करो, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लैनन, आई लव यू। ओह नहीं नहीं। और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस उछल कूद में बदल गई। कैच करो। टू स्मॉल। या अब तुम काम पर लौट जाओ। दोस्तों फिर मिलेंगे। लोगों को अभी भी मेरे 2 दिन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ सवाल थे, तो बक्स ने मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कल बहुत ही बड़ा दिन है, तो कोई बेतुके सवाल मत पूछना। ओके, क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? आप यहाँ पर क्यों हैं? सिर्फ बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। हाँ, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सच में एक एनएफएल प्लेयर नहीं हूँ। जिमी, इस नए टीम का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझे इतना पसंद करेंगे। कल तुम कितने टाइम तक खेल पाओगे? 0। और बार बार दोहराने के बाद कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, मैं अपनी हाइट नापने गया। 6'4½". 6'4½? काल, तुम 6'5" हो। मैं 6'5" हूँ। हाँ हाँ, ये मुझे इसलिए नाप रहे थे ताकि मेरा कस्टम गियर और यूनिफॉर्म बिल्कुल सही फिट हो। ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही कहा। और यूनिफॉर्म बनवाने के बाद ऑफिशियल गेम डे आ ही गया। मुझे अभी नहीं पता कि वो मुझे ऐसा क्यों करने दे रहे हैं। बट हे, थैंक्स बक्स। तुम हैरान हो कि उन्होंने मुझे टीम में ले लिया? हाँ। ये मेरा साइन किया गया पहला फुटबॉल है। जिमी अभी किसी भी वक्त बाहर आता ही होगा। तुम 100 पॉइंट से लीड करोगे तो शायद मुझे खेलने मिलेगा। मुझ पर एहसान करो और स्कोर बोर्ड तोड़ दो। जैसा तुम कहो। ये उसका पहला गेम है और शायद उसका आखिरी भी। आगे हड्डियाँ टूट जाएंगी। ये सब कैसे हो गया? ये तो सपने जैसा है। ये कितना कमाल है। और क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी एनएफएल गेम है, टीम ने मुझे एंट्री पर सबसे आगे रहने दिया। लेट्स गो बॉयज। चलो चलो लेट्स गो। ये हमारा दोस्त है। उम्मीद करता हूँ कोई मुझे कुचल ना दे। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है ये। जिमी, आई लव यू। ये हमसे आगे निकल रहे हैं। जिमी एक एनएफएल प्लेयर है। क्या हाल है? लेट्स गो बॉयज। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हो सकता है मुझे खेलने का मौका ना मिले। आई लव अमेरिका। कितना बड़ा प्लेन है अमेरिका। चलो फुटबॉल खेलते हैं। मुझे एक ऑफिशियल एनएफएल प्लेयर बनाने के लिए मैं बकेनियर्स का शुक्रगुजार हूँ। और अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो मुझे टैकल करते तो मेरा मरना तो तय था। मुझे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर फाल्कन्स ने ये ट्वीट किया, मिस्टर बीस के नेक्स्ट चैलेंज के लिए गोल मारो और गेम जीतो। तो बदला